मॉर्निंग स्टूडेंट, देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पेज ओरिएंटेशन कैसे सेट करना है। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेडर एंड फुटर कैसे सेट करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझ बताई थी कि हेडर हम क्यों यूज़ करते हैं। हेडर अगर हमें पेज को हमें अगर हेडिंग देनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेडर का यूज़ करते हैं। और फुटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पेज को नंबरिंग देनी हो, डेट और टाइम सेट करना हो, तो हम हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हेडर एंड फुटर सेट करेंगे। देखो, फर्स्ट पेज को सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट पेज में जाके आप क्या करना है, पेज के ऊपर क्लिक करना है। पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इन पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स देयर इज़ अ टू टैब, हेडर एंड फुटर। यहाँ पे आपको हेडर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हेडर का जो चेकबॉक्स दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, ऑन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा हेडर यहाँ पे आपको ऊपर एक्टिव दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे आपको मोर में जाके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हेडर की बॉर्डर स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, उसको लाइन सेट कर सकते हो, उसकी स्पेसिंग सेट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप हेडर को बैकग्राउंड भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ और ओके करना है आपको यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा हेडर ऑन है और उसके बाद हमें क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। देखो, आपका यहाँ पे हेडर एक्टिव हो गया। देखो, आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे हमें सिंपली हेडिंग देनी है, हेडिंग। देखो, जब हम पेज के ऊपर हेडिंग सेट करते हैं, जब हम नेक्स्ट पेज इंसर्ट कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हेडर सभी पेज को सेट होता है। जितने भी आप इस डॉक्यूमेंट में पेज इंसर्ट करते जाओगे, हेडर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसी हेडिंग को बाय डिफॉल्ट लेगा। देन उसके बाद अभी हमें फुटर सेट करना है, तो सेम पेज को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, पेज के ऊपर क्लिक करना है, देन फुटर के ऊपर क्लिक करना है। सेम फुटर ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, मोर में जाके जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। बॉर्डर में जाके आप बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओके करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके फिर से ओके करना है। देखो, यहाँ पे आपका फुटर एक्टिवेट हो गया। देखो, सारे पेज को हमारा फुटर एक्टिवेट हो गया। अभी यहाँ पे हमें पेज नंबर कैसे देने हैं, देखो, जब मैं यहाँ से मैन्युअली वन टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो